खबर चंडीगढ़ से है, जहां बुधवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरी मीटिंग हुई। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित किसान नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने 3 जिलों में इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर आपत्ति जताई। कहा कि कुछ ही दिनों में बच्चों के परीक्षाएं शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते बच्चों सहित आम जनता को भी काफी परेशानी हो रही है और हरियाणा सरकार की तरफ किसानों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है। पंजाब में ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंकना सही नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बार की मीटिंग बड़ी ही सकारात्मक रही। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों से जुड़े कई मामलों पर सहमति भी बनी। इसके साथ ही अगली बैठक 18 फरवरी को होगी। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। सेंटर सरकार ने चिट्ठी काट के, क्योंकि उन्होंने अधीन आ जाता है, उन्होंने सारा इंटरनेट बंद कराता, बच्चों के पेपर ने, मैं गल अज मुद्दे उठाया, मैं बच्चों के पेपर शुरू हो गए अज तो, ऑनलाइन पढ़ाइया ने अजकल, बच्चों का की कसूर है? जबकि किसान जिहड़े ने वो बार्डर ते बैठे ने, कोई ऐदां दी गल नहीं हैगी। सो मैं कहा भी तुसी साडे वाले पासे आके ड्रोन जिहड़ा है वो एडे एडे शैल सिट जांदा, किसानां ने दिखाए भी नहीं कि तां देखो कोई बगाने देश के नागरिकों वाला साढ़े बिता बितकरा ना करो या बरतारा ना करो।